जानते नहीं हो ये भोज राजवंश का शासन है। मंत्री हमारा आसन कहाँ है? आ जाओ महाराज तैयार है। ठीक है मंत्री आप मेरे हैं। मंत्री कहिए सरकार जानते नहीं हम कौन है? जानते नहीं हम भोज राजवंश है। मंत्री हमारा सिंहासन कहाँ है? लखिए महाराज मंत्री कहिए सरकार तब हमारे बहुत वीर मंत्री हो इसलिए कमराई। अच्छा अब कुछ गस्ती की बातें हो जाए आसन सीधा करो। मंत्री बोला महाराज अब कुछ और बताइए तुम्हें सीधा हो जाए। तुम्हारा धड़ सर से कलम कर दिया जाएगा। मैं महाराज यस यस बल में तो छोड़ दे। अरे आगे कार्यवाहि बढ़ा मैं यार अभी बहुत कथा बाकी है। बैठो महाराज बैठो बैठो ये भोज राजवंश है महाराज जहाँ तो मंत्री का जो हमें लगता है तुम्हें जिंदगी से नाराज घर में जा चल गया जिंदगी से प्यार नहीं है क्या सुंदर हवा है आनंद आ गया। महाराज और बाकी तुम्हारे चिड़ी चपाटे कहाँ गए? अच्छा ये बताओ तुम्हें मालूम है अब हमारी नहीं मुर्गा मत बोलो। अब हम ये कह रहे हैं तुम्हें मालूम है कि अब हमारी बहन देवी की विवाह के योग्य हो गई है। हाँ तो क्या होना चाहिए? तो हम ये सोच रहे हैं मंत्री तुम हमारे बहुत बुद्धिमान मंत्री है। हाँ हाँ तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं उसके लिए कोई ऐसा एक वर देखिए जो हम विवाह के हार पीले करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा पीले करना चाहते हो पीला करना। हाँ हाँ महाराज एक बात एक बात का हाँ बोलिए। ओके ये महाराज महाराज हाँ तो कहूँ ऐसे मारे मारे भय हमें कैसे लगता है? हाँ मंत्री बताओ बताया था तुम बता दही क्या बताया तुम कहो मारे मारे भाई हमें कैसे लगता है? अच्छा लगता है ना मंत्री शांत नहीं हो तुम हमारे मंत्री हो और हमारी बहन का विवाह होगा किसी राजकुमार से। तो महाराज जी बताओ तो लड़का क्या चाहिए होना चाहिए? लड़का अब तुम जानते हो हमारी बहन अगर 18 साल की है तो लड़का 22 साल को तो होना ही चाहिए। अच्छा अच्छा महाराज 22 साल को ऐसे तो क्या फायदा है 11 साल के तो क्या है वो एक शादी लगा कर बैठे एक रोटी बनाते रहो करे
चार, करो तीन चार कम से कम। मन करी भाई 11 साल के दो लगा लगा 11 2 22 मराई जहाँ तो है यानी कि 11 2 22 चाहिए तुम्हें। अब हमने समझ लिया महाराज खुश ने ये बताओ और क्या चार साल होते हैं मंत्री से कहा है एक काम करो हमारे मित्र वसुदेव को बुला के आओ।